गुड मॉर्निंग क्लास। तो 11th क्लास है, हम आपको साखी पढ़ा रहे थे जिसमें हमने 11 तक पढ़ा दिया है। आज 12 से शुरू करते हैं। तो कबीर रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनहु रमैया रमी रहिया, दूजा कहाँ समाई। तो इस साखी में जीव आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम का उल्लेख करते हुए कबीर दास जी ने उन दोनों के गहरे संबंध के बारे में बताया है। जीव आत्मा मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा मतलब ईश्वर की आत्मा के बीच, मतलब जीव आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जाता, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने पर अनुराग की लालिमा भर जाती है। मतलब जब सिंदूर की रेखा लगी हो तो उस पर काजल की रेखा नहीं लगाई जाती। जिस तरह ईश्वर के प्रति हमारा जब प्रेम हो जाता है तो हमें संसारिक कोई भी शक्तियाँ कालिक नहीं लगा सकती। मतलब जिस तरीके से सिंदूर की रेखा पर काजल की रेखा नहीं लगाई जाती, उसी तरीके से जब हमें ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो हमें कोई भी संसारिक शक्तियाँ मोह माया कुछ भी उससे छुड़ा नहीं सकेगी। जिन नेत्रों में राम अर्थात ईश्वर रम जाता है, उसमें फिर कोई दूसरी सांसारिक वासनाएं भला कैसे वास कर सकती हैं। अगला, शायर नहीं सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुनी सीसर गढ़माही। इस साखी में कबीर दास जी ने साधना आत्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति का परिचय देते हुए मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति शून्य शिखर से की है। तो कबीरदास जी कहते हैं साधारण मोती, कबीरदास जी कहते हैं साधारण मोती तो समुद्र की सीप में स्वाति की बूंद से बनता है। मतलब जो साधारण मोती बनता है वो आप समुन्द्र का मोती ले आइए, स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें जब बारिश होती है तो उस बूंद उस जो सीप होता है उसमें जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पड़ती है तो वो बूंद जो होता है वो मोती बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि साधारण मोती तो समुद्र की सीप में स्वाति की बूंद से बनता है, किंतु यह मुक्ति रूपी मोती विलक्षण है, क्योंकि इसमें ना तो समुद्र होता है और ना सीप होता है। मतलब समुद्र का जो सीप होता है उसमें जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो बहुत आसानी से मोती बन जाता है, पर इस संसार में से मुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना तो समुद्र है ना सीप है और ना ही कोई स्वाति की बूंदे हैं। यह मुक्ति रूपी मोती कुंडलिनी योग के द्वारा शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरद में उत्पन्न होती है। मतलब अगर हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए तो हमें अपनी कुंडली का जागरण करना चाहिए। हमारे शरीर में कुंडलियां होती हैं जिसमें 6 चक्र होते हैं, तो उस कुंडलिनी को जागरण करने के बाद ही हमें इस संसार से मुक्ति मिलती है। अगला, पाणी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। इसकी व्याख्या, तो इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है, केवल रूप परिवर्तन है। मतलब जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, केवल रूप का अंतर है। पानी अपना रूप बदलकर ठोस का रूप धारण करता है और फिर बर्फ बन जाता है। जिस तरह पानी अपना रूप बदलकर ठोस मतलब बर्फ बन जाता है और फिर पिघलकर पानी बन जाता है, जो रूप पहले था वही बाद में हो गया, अतः अब कुछ भी कहना शेष नहीं। मतलब ईश्वर में और जीव आत्मा में भी इसी तरीके का संबंध होता है। भाव यह है कि परमात्मा रूपी जल में जीव आत्मा रूपी बर्फ में बदल जाता है, दोनों के मूल गुण एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। बाद में जीव आत्मा पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है,
उसका जो रूप जन्म से पहले था मृत्यु के बाद भी उसी रूप में लौट जाता है, अतः अब कहने में कुछ भी शेष नहीं है। मतलब जो रूप उसे पहले था, जब जन्म लेने से पहले था ईश्वर का रूप, जो रूप उसका जन्म लेने से पहले था वही रूप उसका मृत्यु के बाद भी हो जाता है। तो इसलिए जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। अगला, पंखी उड़ी गगन को प्यारा रहा परदेश, पाणी पिया चच बिन भूली गए यहूदेश। इसकी व्याख्या, कबीर इस जब इस साखी में कबीर दास जी ने प्रतीकात्मक शैली में कुंडलिनी द्वारा सहस्त्रार चक्र में अमृत रस पीने का उल्लेख किया है। कबीर दास जी कहते हैं, जब साधक की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार रूपी गगन की ओर चलती है तब वह योगी देह बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हमारे शरीर की कुंडली, जो छह चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो जागृत होकर सबसे ऊपर गगन की ओर चलने लगते हैं तब वह योगी देह बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने शरीर से मुक्त हो जाता है। षष्ठ चक्रों का भेदन करते हुए, छह चक्रों का भेदन करते हुए कुंडली सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर बिना चोच के अर्थात बिना इंद्रियों के उस अमृत का पान करती है जो वह निरंतर झरता रहता है, और उस ब्रह्मनाद को प्राप्त करके जीव आत्मा संसारिक और मोह के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है और जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है तब हम इस संसार से के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।